मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निजी सचिव बनकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को धमकी देने का मामला अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भीमसेन ने इस संबंध में सांगानेर पुलिस थाने में शशिकांत और सुरेश राजावत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अज्ञात शख्स ने खुद को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताते हुए अदालत में विचाराधीन मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में प्रार्थना पत्र वापस नहीं लेने को लेकर धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के बारे में कल एफआईआर दर्ज की है और ये 19-20 दो दिन कार्रवाई प्रकरण चला था। 19 अप्रैल को मेरे पास फोन आया, फोन करने वाले ने अपने आप को सुरेश रजावत बताया और उसने बोला कि साहब मैं सीएम साहब का पीए हूँ, मैं भरतपुर का ऑफिस संभालता हूँ और सीएम साहब के पास में कुछ छात्र एक ज्ञापन लेकर आए थे मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती संबंधित, और वो छात्र चाह रहे थे कि अभ्यर्थी चाह रहे थे कि जो इसमें जो मामला कोर्ट में चल रहा है और जो बोर्ड की तरफ से एप्लीकेशन लगी हुई है कि भाई इस प्रकरण में इस भर्ती में सिर्फ डिप्लोमाधारियों के हक़ में फैसला हो जाए और डिग्री वालों के बाद कि जो डिग्रीधारी वाले जो बच्चे हैं उनकी उसका फैसला कोर्ट बाद में कर ले, ऐसा एप्लीकेशन लगी हुई थी। और तो उसमें जो छात्र थे वो चाह रहे थे कि ये एप्लीकेशन लगी रहे और जो विभाग है मोटर परिवहन जो विभाग है वो चाह रहे थे कि एप्लीकेशन को हम वहाँ से विड्रॉ कर लें, और हम तो चूंकि विभाग के हिसाब से चलते हैं और विभाग चाहता था कि ये एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाए ताकि जो न्यायालय है वो सभी पूरे भर्ती के ऊपर एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर फैसला सुनाए ताकि जिससे किसी को नुकसान ना हो और किसी को फायदा ना हो।